कुत्तों के आतंक से लोग परेशान तीस से चालीस पचास लोग प्रतिदिन पहुंच रहे अस्पताल आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है जहां पर कुत्तों का आतंक व्याप्त है आपको बता दें इकोना इलाके के कई गाँवों में कुत्तों का आतंक व्याप्त है साथ ही कस्बों में भी कुत्ते लोगों को अपना निशाना बनाने से नहीं चूकते ऐसे में इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन तीस से पचास मरीज कुत्ते के काटने से पहुंचते हैं जिन्हें रेबीज का इंजेक्शन निशुल्क दिया जाता है सावस्ती जनपद के इकोना इलाके में कुत्तों का आतंक है जिसके चलते लोगों की समस्याएं काफ़ी हद तक बढ़ी हुई हैं ये कुत्ते बच्चे युवा बुज़ुर्ग किसी को भी नहीं सकते और अपना निशाना बना लेते हैं ऐसे में भारी संख्या में लोग इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुँच रेबीज का इंजेक्शन लगवाते देखे जा सकते हैं सावस्ती जनपद के इकोना इलाके में इस समय कुत्तों का आतंक चरम पर है जिसके चलते लोगों की समस्याएं काफ़ी हद तक बढ़ी हुई हैं इन कुत्तों का शिकार बच्चे महिलाएं, बुजुर्ग सबसे ज़्यादा बनते हैं ऐसे लोग प्रतिदिन तो तो तीस से पचास की संख्या में इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रहे हैं जहां पर स्वास्थ्यकर्मी उन्हें रेबीज का इंजेक्शन देने में जुटे रहते हैं सौ जनपद के इकोना इलाके का यह मामला है जहां पर कुत्ते कुत्तों का आतंक व्याप्त है जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान हैं